मीटे स्कूल रन की पिया कुड़ी गिद्रा को बुंगा तलायना है गति को नादो सरी कथा के पे अंजमे दा हारे बरिया कुड़ी गिद्रा किन बुंगा तलायन उनकी ना नितुम दो थेकना मीटे नितुम दो थेकना नेहा हसदा उनिया उमर दो थेकना 16 बछर आर मीटे नितुम दो थेकना सोना प्रिया मुर्मू उनिया उमर दो थेकना 17 बछर नुकिन दो गति को लहाजर किन बुंगा तलायना। इसके बाद नित हाल फिलहाल रे जहाटा कुड़ी गिद्रा बुंगा तलाव कन उना स्कूल रन की उनिया नितुम दो कना सेलिना मुर्मू उनिया उमर दो हुयुकना गति को 12 बछर आर मात्र उनी दो 6 क्लास रे पढ़ा कान थेना। आ घटना ओकार नाक ना आर चिकाते हुयना ओना को बड़ाई लगी नोआ वीडियो हो कन मुचहरी नेल तबन पे बिना स्किप ते चलो बन तबे वीडियो बन स्टार्ट का लगी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जुहार गी गति को तिहिना नवाना वीडियो रे आपे जतर को सगुन दरा मिना नोय गति को साइड रे पेपर कटिंग पे नेलदा ओना माध्यम ते के बड़ाई कना जेबला मीट स्कूल रन पिया कोड़ी गिद्रा को बुंगा तलायना चलो बन तबे गति को नोआ पेपर रे जी कॉल कदा ओना गति को थोड़ा गनि पढ़ावान जंपे कना जहां गति को नोय साइड स्क्रीन रे पेपर कटिंग पे नेले कन ओना गति को हिंदी तेगी पढ़ावान जंपे कना। इसके बाद हा गति को मेन मेन पॉइंट संथाल तेन ले बुना चलो बन तबे बुन एव का लगे तबे गति को नोडे चितान रे ओका हेडलाइन रे को अलगा एकलव्य विद्यालय की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत चलो तबे गति को पेपर रे ओका लहासे को अलगा ओना गति को पढ़ाव गति आंजम पे कना। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के फलसबनी गांव की 12 वर्षीय सेलिना मुर्मू की अचानक मौत हो गई। सेलिना को चिकित्सा ने जांच कर टाइफाइड बताया और रात में उसकी मौत हो गई। सेलिना की मौत से परिवार की सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल। पिता विनोद मुर्मू ने बताया कि बेटी सेलिना गोड्डा जिला के सुंदरफाड़ी एकलव्य विद्यालय में पढ़ती थी। पति को गोपीकांदर थाना क्षेत्र रे फलसबनी आतुरन सेलिना मुर्मू उम्र दो 12 बछर उनी दो गति को तबियत खराब कान था आर डॉक्टर टेक दिख दिया ओंडे गति को उनिया बुंगा तला दो होयनते उनी दो गति को गोड्डा जिला ना सुंदरफाड़ी क्षेत्र एकलव्य स्कूल रे पढ़ा कान थेना। वहां से कॉल करता गति को शुक्रवार को स्कूल के शिक्षक द्वारा सेलिना की तबियत खराब होने की जानकारी दी गई थी। शनिवार को पत्नी और साला संजय हंसदा सेलिना को लेकर घर पहुंची। तबे गति को शुक्रवार हिल स्कूल खन ओड़ा को फोन आकवा जे बोले सेलिना दो तबियत खराब के तया आर गति को तबे शनिचार हिल आई गोगो आर आई मामा हे गते उनी ओड़ा तकिन इदी कि दिया आरो गति को नोंडे लहासे कॉल कदा रविवार को अमड़ापड़ा के एक निजी क्लिनिक में सेलिना का इलाज कराया गया। चिकित्सक ने बताया कि उसे टाइफाइड है। इलाज चल ही रहा था कि रात में अचानक सेलिना की मौत हो गई। शनिचार हिल स्कूल कौन को दिख दिया। इसके बाद गति को रविवार हिल उन्हीं दो आकुसूर ना अमड़ापड़ा ना डॉक्टर थे क्लिनिक रे को दिख दिया और ओंडे गति को डॉक्टर जांच करते लग दिया जब लेने आ दो टाइफाइड मिना तया आर गति को अयुक से अचानक सेलिना दो बुंगा तलायना उन्हीं दो गति को 6 क्लास रे पढ़ा कान थेना। आर हो गति को नोडे लहासे को अलग दा गोड्डा के सुंदरफाड़ी क्षेत्र में अवस्थित एकलव्य विद्यालय एक बार फिर से जांच के घेरे में। कुछ दिन पूर्व ही गोपीकांदर थाना क्षेत्र के सूरजडीहा गांव की दो छात्रों की मौत अचानक हुई थी। नोडे को अलगदा गोड्डा जिला ना सुंदरफाड़ी क्षेत्र ना एकलव्य विद्यालय रे गोपीकांदर थाना क्षेत्र रन की सूरजडीहा आतुरन बरिया कुड़ी गिद्रा किन बुंगा तलालना आर नु सेलिना मुर्मू हो उना गोपीकांदर थाना क्षेत्र रन कान गाय गाते को तो गाते को नोडे नेल लिखानम बोले मीटे क्षेत्र रन की पिया कुड़ी गिद्रा नुआ गोड्डा जिला ना सुंदरफाड़ी एकलव्य विद्यालय रे ओडे को तहन कान था आर गाते को उनको अचानक नितो को बुंगा तलायना तो नुआ गाते को अडी दुख ना कथा कना आरो गाते को लहासे छि कॉल कदा नितो दो गाते को उका सेलिनाय बुंगा तलाव कन उना कोन लहारे उका दो बरिया कुड़ी गिद्रा कन बुंगा तलालन उनकिन बारे तो कॉल कदा। दोनों छात्र 16 वर्षीय नेहा हस्ता और 17 वर्षीय सोना प्रिया मुर्मू सुंदर पहाड़ी के एकलव्य विद्यालय में पढ़ती थी। तो गति को नोडे लहासे कॉल कदा जब ले उनकिन नेहा हस्ता आर सोना प्रिया मुर्मू नुकिन बनाड़ गति को सुंदर पहाड़ी क्षेत्र ना एकलव्य विद्यालय रकिन पढ़ा कांतना आरो गति को लहासे कॉल कदा। अचानक परिजनों को फोन पर तबियत खराब होने की जानकारी दी गई। परिजनों ने दोनों बच्चियों को घर लाकर सोना प्रिया को काठीकुंड के नयाडी स्थित कल्याण अस्पताल तो नेहा को पाकुड़िया में इलाज के लिए भर्ती कराया। तबे गति को नोडे अचानक स्कूल कन ओड़ात को फोन आकवा आर बोले को लय कवा नुकिना तबियत खराब गया तो गति को ओड़ात को दिगे कना आर गति को ओड़ात को गते सोना प्रिया मुर्मू दो काठीकुंड रेना नयाडी कल्याण अस्पताल को भर्ती कि दिया आर नेहा हस्ता दो गति को पाकुड़िया रेना अस्पताल रे इलाज को दिगे दिया आरो गति को लहासे को अलगदा जहां इलाज के दौरान मौत हो गई
थी। डॉक्टर द्वारा मौत की वजह नहीं बताया गया। अब एक बार फिर से 12वीं वर्षीय छात्रा सेलिना मुर्मू की मौत से विद्यालय प्रबंधन को खटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वे गति को नेहा हंसदा और सोना प्रिया मुर्मू उका तो अस्पताल को इदी लेकिन ओंडे गति को डॉक्टर जांच करते बाय ले लेदा बोले नुकिना ची कारण दिन बुंगा तलाइना। तो नुआ गति को अडी दुख ना कथा करना जे बोले डॉक्टर बाय ले लेदा उनकी चिका दिन बुंगा तलाइना ची कारण ते तहारे बरिया किन बुंगा तलाइना नेहा हंसदा और प्रिया मुर्मू। इसके बाद गति को नीतो आरो सेलिना मुर्मू। तो गति को नुआ को कथा बढ़ाई करते उना स्कूल रे गति को नीतो बोले को जांच को एहो करना गति को नुआ साइड रे पेपर कटिंग पे नेले कन नुआ रे जहल का को अलका था उनका गति को पढ़ा करते अंजमा बुना घटना बढ़ाई करते गति को अड़ी दुख बुझे करना जे बोले गार्जियन को आकुरन गिद्रे बोले मौज पढ़ा लगी हॉस्टल रे को भर्ती को और ओंडे गति को रुआ हंसू जाम का और अचानक में अगुया इसके बाद हॉस्पिटल में दिया और गति को ओंडे बुंगा तला तमा। तो नुकाना घटना नेल करते अड़ी दुख बुझे करना से जहाँ ओडा रे नुआ घटना हुई कन उनको गति को नितो तिना दुख को बुझेदा आपे पे बुझेव दाड़े करना और गति को नुआ वीडियो जुदी जहाँ कोरेन गार्जियन को पे नेले कन खाय आपे कोरेन गिद्रा हों हॉस्टल कोरे पे धाव का खाय तो चलाव करते गति को अड़ी उसरा उसरा के हिरी को पे और बोले कुली को पे जे बोले जहाँ ना उनका रुआ हंसू इमान को थर बांग जामे पे और बांग खान गति को ओंडे खन उड़ाते अगू को पे से हॉस्टल हों पे चेंज दाड़े करना चेदा से गति को स्वस्थ रहन दो अड़ी जरूरी गया। तबे गति को नई घटना का पे नेल के वीडियो रे बोले पिया कुड़ी गिद्रा को बुंगा तलाना मीट स्कूल खन के। तो नुआ घटना तो गति को गोड्डा जिला ना सुंदर पहाड़ी क्षेत्र ना एकलव्य विद्यालय उना स्कूल ना करना गति को नुआ घटना बढ़ाई करते अड़ी दुख बुझेना। तो गति को तीन जानकारी चिल का पे क्यों किया वीडियो पे खुशिया खाए लाइक पे शेयर पे और अब यूट्यूब चैनल बापे सब्सक्राइब खाए सब्सक्राइब करते धोखा तबन पे मा तबे गति को नपामुना और उसरा इटा दिन इटा का वीडियो रहे।